बिजनौर में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम गंगौड़ा शेख में से इंसानियत को शमशार करने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जहाँ एक जिगरी दोस्त ने ही अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि शव को बरामद करते समय जिस्म के टुकड़े टुकड़े इकट्ठा करने पड़े। बरामदगी के समय मरने वाले भारी भरकम व्यक्ति का शव कंकाल के रूप में मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से कई दिन से कातिल दोस्त खुलेआम घूम रहा था। आखिरकार एसपी की सख्त कार्रवाई के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोस्त मृतक दोस्त के पास को ले गया। पुलिस लाश को देखकर हक्का पक्का रह गई क्योंकि इतने भारी भरकम शरीर के एक दोस्त इतने टुकड़े कैसे कर सकता है। मगर दोस्त जालिम निकला। आपको पॉलिथीन में दिख रही ये चंद हड्डियां व कपड़े चप्पल से सब आसिफ नाम के युवक के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 26 जुलाई की शाम तकरीबन 6:40 पर आसिफ के पास किसी व्यक्ति का फोन आया। फोन रिसीव के बाद आसिफ घर वालों को बिना बताए घर से चला गया, फिर घर वापस नहीं आया। दरअसल ये कत्ल की पूरी दास्तां है बिजनौर के गंगौड़ा शेख गांव की है, जहां पर आसिफ व अयान नाम के युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई ये अंदाजा शायद आसिफ व उसके परिवार को भी नहीं था। 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश में रात भर जागती रही और फोन करती रही, आसपास तलाशती रही, लेकिन आसिफ का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई को सुबह कोतवाली देहात थाने में अपने गुमशुदा बेटे की लिखित में तहरीर दी, लेकिन नकारा सुस्त पुलिस ने आसिफ को तलाशने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि शक के आधार पर आसिफ के दोस्त अयान को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ के बाद कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया। आसिफ का परिवार रोजाना थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन बेरहम पुलिस का जरा भी दिल नहीं पसीजा, जिसके बाद आसिफ के परिजन तेज तर्रार एसपी से मिले और पूरा घटनाक्रम बताया तो एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल को जमकर लताड़ लगाई। एसपी की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई। 9 दिन के बाद यानी सुबह अचानक अयान नाम के आरोपी दोस्त से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। बीती रात जंगल में कातिल की निशानदेही पर अयान कातिल ने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया कि सबसे पहले अयान ने आसिफ की गर्दन काटी, फिर हाथ पैर चाकू से काटकर पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगल में अलग अलग टुकड़े करके फेंक आया। पुलिस ने कातिल सहित अवैध हथियार के साथ आरोपी अयान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कातिल अयान से जब पुलिस ने कत्ल की बाबत पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों ने जंगल में पहले शराब पी, उसके बाद में आसिफ जबरदस्ती अयान के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। खुद के पास मौजूद चाकू अवैध हथियार के जरिए मैंने आसिफ की गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि परिवार वालों का साफ तौर से कहना है कि कातिल अयान ने पूरी रंजिश के चलते ही उनके बेटे अयान की हत्या की है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। दोबारा से बताना क्या नाम है आपका? अफसाना जी, आपका लड़का कब गायब हुआ था और उसके बाद आप कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहे बताएं? 6:40 पे फोन आया था, इसके पास घर ही लेटा पड़ा था वो, मैं आटा गूंद रही थी तो इसके पास फोन आया, हाँ हेलो, मैंने क्या कहा, अरे कहा हैगा ना घर पे होऊंगा, अरे कहा हैगा तू जोड़े पे ना आ जा जोड़े पे को, अरे तो चल आ रही होऊंगा, चप्पल पहन के बाहर चला गया। चप्पल पहन के बाहर चला गया तो दुकान हैगी इधर, वहाँ से दिल बाग लिया, दिल बाग हाथ दो मुंह में डाल दो मेरे मंदर से की खून से जा रहा है, दिख रहा मुझे अच्छा खासा खून आया, कोई बात नहीं बतेरी देर हो गई। फिर मैंने इसका खून लगाया 8:30 मैंने कहा आ जाएगा आ जाएगा, खून नहीं खाता किसी का भी, सुबह सुबह ही जब आ खुली रात के 12 तक खून करती रही, खून नहीं खाया, जब उसका कुछ पता ही ना, खून 12 तक खून लगता रहा उसका, मैं लगाती रही देखती रही कोई आ रहा आदमी कोई जा रहा, इधर से इधर को कुछ आदमी इधर से आ रहा है कुछ इधर से आ रहा है, सारा कुछ दिख रहा मुझे बैठी हुई को, बस वो ही नहीं नजर आ रहा। सुबह हो गई या देखते देखते आपको दरवाजा ऐसी खुला पड़ा, क्या अब आवे कुछ नहीं कहने की सो जाएगा आके ना, वो पूरी रात आया, सुबह को 5:30 फूल लगाया तो उसका फूल स्विच हो पा रहा, सुबह ही 6:00 उठ के जोड़े की तरफ चली गई, पहले घर आई हाँ गाड़ी देखी के गाड़ी है ही खड़ी, जोड़े की तरफ चली गई तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो यहाँ था कि मैंने यहाँ देखा,
कि कहाँ है कि कुछ ने कुछ नहीं बताया। फिर सारा दिन हो गया, फिर दोबारा आई यहाँ, देखा यहाँ पूछती पालती छत पे गई कि कहीं यहाँ सो रहा है, जब कुछ नहीं पता पड़ा फिर जोड़े पे चली गई, फिर पूछताछ करी कि तुमने आसिफू देखा है कि कहीं, कि किसी ने नहीं बताया कुछ भी, कि नहीं यहाँ आता है यहाँ आता, रात यहाँ आता है यहाँ आता, कुछ नहीं। बस दो चार औरतों को लेके मैं फिर जंगल को निकल गई। जंगल में 10-5 औरतों ने यहाँ तलक छपे, एक सिस्टम खड़ी आगे तलक की खो में ढूंढा, मैंने खुद ने ढूंढा, कहीं कुछ नहीं पता पड़ा। तब मैंने फोन करके सबके पास बोल दिया कि आज सबके कोई पता नहीं पड़ा क्या है क्या नहीं। सारा दिन हो गया, प्रधान जी के पास चली गई, प्रधान जी फिर ले गए मुझे कोतवाली, मैं तहरी लिखवा दी कि ऐसा ऐसा हमारा लड़का गुमशुदा है, कुछ नहीं पता पड़ा। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस वक्त भी। शाम हो गई, आ गई, फिर आके ढूंढने लगी, फिर इधर कब्रस्तान आएंगे, कब्रस्तान में भागे के क्या कहते हैं, कम से वहाँ देखता हुआ बेहोश पड़ा ईख में, क्या किसी ने देखा कहने, वो जो कब्रस्तान में रह रहा था उसने के मैंने आसिफ को देखा क्या यहाँ खड़ा था। एक आदमी और बोला कि एक लड़का था यहाँ और वो भाग गया हैगा इधर को, क्या अगर भागता तो वो किसी से डर क्यों पुरे रहा था, जगह अगर देखो डर पुरे माने पुरे गया कुछ, क्या मैं तो अकेली थी घर में, अकेली तो थी मैं, दो पुलिस वाला आ गए, वह भी क्या तुम्हारा बच्चा देख लो यहीं पर होगा, कुछ ऐसी बात भी हो सके जो माँ बाप से ना कहे। मैं इनके भैया जब यहाँ होता तो वो मिलता ना क्या, पुलिस वाले भी चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। पूरी रात हो गई, पूरी रात यहाँ बैठी रही, ढूंढती रही, गांव वाले भी ढूंढते। किस तारीख को गायब हुआ था लड़का? 26 तारीख को। आप पुलिस में अगले दिन गए थे? जी। फिर पुलिस जिस लड़के पर आपको शक था, हाँ, उसका क्या नाम था? अयान। आपने पुलिस को उसके बारे में बताया था? उसके जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो उस लड़के का नाम आया कि अयान नाम का लड़का, साकिर नाम का उसका पापा का नाम है, उसका नाम अयान। तो सुबह को मैं खुद उससे पूछने गई, उसने ये कह दिया कि मेरे साथ यहाँ तलक था छपेड़ा तलक, और मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गया कहाँ नहीं। मैंने कहा बता दे तुझे पता हो तो कुछ, उनने भी कुछ नहीं बताया। फिर अगले फिर ढूंढते फिर हो गए, पूरा दिन हो गया इसी तरह से खत्म। प्रधान जी के पास, पुलिस के पास, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करते तो आज मेरा बच्चा मिलना जा सकता। जब उसे शाम से ही मार के डाल दिया तो उसका क्या पता पड़ता किसी ने। अयान को पुलिस ने उठाया था तीन दिन, कितने दिन बाद उठाया था जब घटना हुई थी? पुलिस को ले गई थी उसे पूछताछ के लिए? हाँ, पुलिस तीसरे दिन आई। फिर एक घंटे के लिए लेके गई, उसके बाद हाथों हाथ ही एक डेढ़ घंटे में पता पड़ा कि वो घर आ गया अपने। अच्छा, छोड़ दिया था? छोड़ दिया, कुछ नहीं। पुलिस ने प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी, उन्होंने भी ये कह दिया कि हाँ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। अब आपका जो खुलासा हुआ है, जो बॉडी लाश जो मिल रही, कंकाल मिला है, तो कल भी आप कहीं अधिक एसपी से के पास गए थे आप? वहाँ क्या हुआ जब आप? वहाँ ये हुआ, जो वे थे कोतवाली वाले जो दरोगा थे, एसपी साहब ने उन्हें बहुत सवाल लगाई कि तुम्हारा बच्चा अगर खोया जा तो तुम क्या करोगे, सारे काम छोड़ के अपने बच्चों को ढूंढ के क्या करा तुमने, उसका फोटो भी नहीं निकलवाया, उसकी लोकेशन कहाँ तक देखी तुमने। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दे, चुपचाप होकर खड़े हुए यूं करके देख रहे उनके मुंह को। सर बहुत बोलते रहे कि तुमने उसकी कोई छानबीन करी, कै दिन होगा इनके बच्चों को, आज 10 दिन हो गए, तुमने कोई छानबीन करी है कि? चुपचाप उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें सर को कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया कि जाओ ढूंढो उनके बच्चों को, कहाँ कहाँ क्या कोई लोकेशन मिली जहाँ से लोग उसका फोन ट्रिप करा तुमने। तो अब बच्चे की जो लाश मिली है कहाँ मिली थी ये रात, कब पुलिस कब आई? फिर कल रात 3 बजे करीब मेरे पास फोन आया था थाने से कि मेरी बात फला लड़के से करवा दो। तो मैंने कहा कि सर क्या बात है कि तुम मुझसे बात करा दो, वो के बोले कि उन्होंने फोन काट दिया। फोन काट के जब उन्होंने फोन करा इनके पास, ये जब ही तुरंत फोन के प्रधान जी के पास चले गए। इन्होंने जब तलब कुछ नहीं बताया, बाद में ये खबर सुन पाई कि उस लड़के की हाथ से छपेड़े पे से ही हाथ लाश मिली जो अच्छा, मिला है उसकी, जो बच्चे की तुम्हारे लाश मिली वो किस हालत में मिली, कैसी है, मतलब क्या? जब मैं बरू की गई थी जो देखो इतने बड़े थैले में रख रखा था और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे, इतने बड़े थैले में रख रखा था कुछ नहीं दिखाया, चप्पल पहनने की सफेद चेक की साइड रह गया, किस पहनने की, एक मोबाइल ना उसके मोबाइल का पता पड़ गया कुछ भी। अच्छा, ये इस लड़के ने मारा है अयान ने, उसके आपकी कोई दुश्मन आखी थी कुछ क्या? नहीं,
क्या वजह रही? क्या ये दोस्त थे आपस में? दोस्त भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जो कहता कहता ऐसे तो बच्चे बच्चों के साथ फिर एक बार एक 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात, इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाफ साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिसपे खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में फोन से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया, शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। क्या नाम है आपका? इकरामुद्दीन जी। क्या कब से आपका लड़का गायब था और क्या आपने पुलिस में शिकायत की थी, बताओ? गुमशुदा की तलाश लिखाई थी तहरीर। कब? 27 तारीख 26 तारीख में 6:30 बजे से घर किसी का फोन आया जिस पे वो गया। बताओ फिर? फिर बस वो यहीं तक आते हुए देखा हमने, उसके बाद हमने कुछ पता नहीं पड़ा उसका, वो किधर गया कहाँ गया। पता पड़ा कि जोड़े पे गया है। अच्छा, फिर क्या हो? क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटो मोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में एक साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।